मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू डे इन माई लाइफ। तो अभी मैं दूध लेके आया हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अब मैं जाऊँगा ऑफिस। उससे पहले थोड़ा दूध पीते हैं भाई। वैसे गुजरात में भी लोग ऐसे रहते हैं, जगह जगह पे सेक्टर्स में मिल जाएंगे। पहली बार जा रहे हैं अपने ऑफिस चल के, क्योंकि इतनी पास है, 500 मीटर दूर होगा बस, मैक्स टू मैक्स अगर धीरे धीरे भी जाए तो 10 मिनट लगेंगे और आराम से पहुँच जाएंगे ऑफिस। भाई बेसिकली ये मेन रोड है, ऑटो वाले रुक रहे लेकिन हम बैठ नहीं रहे ऑटो में। सुबह सुबह है भाई, फ्रेश हैं और जा भी सकते हैं। शाम को अगर थक गए तो फिर मुश्किल होगी वहाँ वापस आना। लेट्स सी कि शाम को भी पैदल आ सकते हैं, नहीं आ सकते। वैसे तो एकदम बड़े खुली खुली रोडें हैं और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो आराम से 6 में चले जाते हैं ना, तो इट्स फीजिबल। भाई सुबह से बैठे हुए ऑफिस में, हमने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हमारे जो कल जब हमने काम किया बस उसी ऑफिस में चले गए, बैठ गए। और जो सर आज आने वाले थे वो सर आज आए नहीं, तो हमारा जो काम था वो कुछ भी नहीं हो पाया है। अब आगे देखते हैं कि वो कह रहे थे कि कुछ स्टडी वडी करेंगे हम, कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट देंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सर का वेट करते हैं अभी और देखते हैं फिर क्या होता है। सर तो अभी तक आए नहीं। सर कह रहे थे कि सर को मैंने 2 बार कॉल किया, सर कह रहे हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक आए नहीं हैं। तो जस्ट वेटिंग ही चल रही है अभी। तो फाइनली सर आ गए थे और अब हमारी पूरी मीटिंग चले, कम से कम 20 मिनट मीटिंग चले। सब बताया कि क्या क्या करना 2 महीने में। तो फाइनली इंटर्नशिप तगड़ी स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। भाई बहुत काम करना है आप यहाँ पर, अभी आके बहुत बैंड बजने वाली है। अच्छा तो भाई वो विभू है अपना, विभू दोस्त, विभू हेलो बोल दो। Hi guys. गाइस नहीं बोलना होता यार, अपशगुन हो जाता है। अपशगुन हो जाता है गाइस। तो अभी देता हूँ मैं अपना रूम टूर। अभी हम वाले रूम में थे, अब वहाँ से हम आगे वाले सामने वाले रूम में आ गए हैं, क्योंकि ये ज्यादा रूम बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। ये चौखट भाई साहब ऐसे कुछ है, बड़ा बेड, एक गद्दा यहाँ लगेगा, एक गद्दा वहाँ लगेगा, 5 जने हैं, 3 ऊपर 2 इधर, और थोड़ी वहाँ पे एडिटिंग चल रही है मेरी। यहाँ पे सामान रखेंगे पूरी लेन में, ये पूरी लेन, ये अरे थोड़ा धीरे रखो यार, भाई ब्लॉग चल रहा है यार, ये तजीब अबे मत कर यार ऐसे। यहाँ पे पूरा लेन है, ये पूरी लेन छोड़ दी हमने सामान के लिए और ये सामान आगे आ गया है। और ये एक छोटी सी कबर्ड है जिसकी हमें बिल्कुल भी नीड नहीं है। ऊपर अच्छा सा एसी लगा हुआ है भाई, एसी रूम मिल रहा है भाई 800 रुपये में भाई, और क्या लोगे। ओहो हवादार पंखा, और भी वो नीचे लेपट लिट गए। जरा वॉशरूम में देख लें भाई, वॉशरूम बड़ा भाई यहाँ पे, काफी बड़ा वॉशरूम यार, और क्या ही लेंगे आप। बॉम्बिंग एरिया भाई, यहाँ पे तो एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है भाई साहब, एग्जॉस्ट भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक चीज और बच गई है और वो है ये भाई अपना व्यू, भाई साहब व्यू देखो यार, एक्सक्लूसिव। आहा हा भाई साहब मेन रोड और एक क्या व्यू है, मजा ही आ गया यार। एक कुछ ना कुछ खराब कर ही देती है, यहाँ पे इसने खराब कर दिया। तो अभी मैंने 1.5 घंटा लगाया वीडियो एडिट करने में, काफी बड़ी वीडियो थी। और अब फाइनली मैं डिनर करने जा रहा हूँ, एंड डिनर वहीं करेंगे जहाँ पे नॉर्मली करते थे रोज। सो चलते हैं बस, और क्या भाई साहब क्या डिनर हुआ यार, मजा आ गया एकदम। ये एक राजवाड़ी पता नहीं कौन सा भोजनालय है, बहुत तगड़ा बनाते हैं आमरस भाई साहब, मजा ही आ गया। पहली बार मैंने आमरस खाया 30 रुपये का भाई साहब, मजा आ गया। एक कटोरी दी लेकिन अच्छा था भाई। तो रात को अभी खाना खा लिया था, अब टहल रहे थे अपना बढ़िया सा। तो अभी मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से रह रहा हूँ गांधीनगर में,
और जैसे हम घूम रहे धीरे धीरे तो इतना तो पता लग गया है कि सबसे बढ़िया एरिया जहाँ पे चहल पहल बहुत अच्छी होती है और थोड़ी मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन सही रहती है, समझ रहे हो, मतलब चहल पहल जहाँ पे अच्छी होती है बेसिकली, वो एरिया है रिलायंस क्रॉस रोड या फिर रिलायंस चौकड़ी जो यहाँ पे लोकल्स लोग कहते हैं। दूसरा एरिया सबसे बढ़िया लगता है वो है सेक्टर 16, क्योंकि यहाँ पे एक आइनॉक्स वर्ल्ड मॉल है सेक्टर 16 में और उसके आगे काफ़ी अच्छी सी मार्केट लगी रहती है और थोड़ा देसी खाने वाले का जुगाड़ रहता है तगड़ा एकदम वहाँ पे, भाई सोयो सोयो लोग रोज़ आके खाना खाते हैं। फिर तीसरी जो अच्छी जगह है वो है इन्फोसिटी, वो अभी भी देखनी बाकी है क्योंकि इन्फोसिटी में बेसिकली मेरे ख्याल से TCS और जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होती है ना उनके साथ जो ऑफिस हैं बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं भाई। और बाकी तो मैं देखूँ जो देख रहा हूँ वो यही है कि भाई इधर सर्विस लेन हो गई, पीछे अपनी मेन रोड्स हो गई और रोड्स भाई बड़ी अच्छी अच्छी बना रखी है उन्होंने और पीछे सब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो बिल्कुल एक कैपिटल सिटी वाली फील आ रही है और मतलब इट्स एक्चुअली गुड।